अरे खुल जा, अरे खुल जाना, अरे अली बाबा खुल जा सिम सिम, अरे खुलता क्यों ना भूतनी के। ले भाई ABCD आया, त्रिभुज सब करके देख लिया, लेकिन इसका पैटर्न है ना मुझे याद नहीं आ रहा है। 2000 रुपए लगेंगे। चल खोल खोड़। ठीक है। ले भाई खुल गया। खुल गया? हाँ, और ये है पैटर्न। पापा प्रथम बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं। पापा कहाँ चले गए? बोलो नन्ना जी, पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, बहुत जल्दी आएंगे। सर, सुदेश बत्रा के मोबाइल का IMEI नंबर ट्रैकिंग पे था। अभी अब उसके फोन में एक दूसरा सिम कार्ड एक्टिव हुआ है विकासपुरी में। रुक, इधर। सुदेश कहाँ है? कौन सुदेश साहब? जिसका फोन तेरे पास है वही सुदेश। कौन सुदेश साहब? मैं नहीं जानता, ये फोन तो मैंने रास्ते में पड़ा मिला था साहब। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, आप सबका क्राइम पेट्रोल दस्तक में स्वागत करता हूँ। सुदेश बत्रा, देश की एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी का रीजनल मैनेजर। एक मामूली अकाउंटेंट से रीजनल मैनेजर का सफर केवल 10 सालों में तय किया सुदेश बत्रा ने। गुड मॉर्निंग। बैठी। वैसे बहुत अच्छी बात है कि आप लोग फर्स्ट डे बिल्कुल टाइम पे आए। टाइम से याद है? टाइम जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर वॉच। वॉच, और ये वॉच जो मेरे कलाई पे है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी घड़ी है। और जानते हैं कि महंगी घड़ी मेरी कलाई पे क्यों है? क्योंकि मैंने समय देखते हुए कभी भी काम नहीं किया। जो लोग समय देकर काम करते हैं उनका अच्छा समय कभी नहीं आता। तो सिंपल फॉर्मूला, वर्क हार्ड एंड मेक योर नेम। जो आदमी सुदेश बत्रा के फोन के साथ पकड़ा गया उसका नाम था राजवीर सिंह। राजवीर सिंह एक दिहाड़ी मजदूर था। उसका इतने बड़े एलीट ऑफिसर के साथ क्या वास्ता था, यह पता लगाना अब भी बाकी था। 10 अगस्त 2018 सुदेश बत्रा गायब होता है। सुदेश बत्रा मिसिंग केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी जिंदगी के पर्सनल और प्रोफेशनल कई पहलू हमारे सामने हैं। सुदेश, ये क्या, चाय ठंडी हो रही है और तुम पेपर में लगे हुए हो? हाँ, आवाज कान में नहीं जाती ना। 5 मिनट कान मरोड़ू क्या? हाँ, शुक्र है भैया, आपके तो सिर्फ कान मरोड़े जा रहे हैं, हमें तो माँ की मार पड़ती थी। लकी हुआ। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग चाचा। ओए, गुड मॉर्निंग दुकान तैयार क्यों नहीं अभी तक? स्कूल जाना है क्या? मम्मी मुझे प्रदीप मामा के घर पे ले जाने वाली है। अंजलि, तुम्हारा मूड बदला नहीं अभी तक? बदल तो तुम गए हो, इसलिए मुझे भी अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और ये घर भी। अरे यार, तुम क्या ये बेकार की बातें बोलकर घर का माहौल इससे खराब कर रही हो। बेकार की बातें? जो बोल रही हूँ एकदम ठीक बोल रही हूँ मैं। ऑफिस के 25 लोगों को हैंडल करना आसान काम है, तुमको हैंडल करना इम्पॉसिबल है। Thank you.
मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। बाद में बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुदेश। गुड मॉर्निंग सुदेश। देखा तूने, डीएनपी के 20 कलीग्स इन्वॉल्व थे इस स्कैम में और उनके शेयर्स तो रोजाना गिर रहे हैं। लेकिन हमारे शेयर्स तो बढ़ रहे हैं ना, इट्स बेटर कि हम अपने काम पे फोकस करें। गेट बैक टू वर्क। मधु आज का शेड्यूल लेके आओ। नौ बज गए, सुदेश अब तक घर नहीं आया है। उसको फोन लगा रही, फोन भी नहीं लग रहा उसका। तुम्हें कुछ बता के गया है कि वो आज लेट आने वाला है? नहीं मम्मी, मुझसे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। मारो, फोन आ रहा है। हेलो पराग, 11 बज गए, सुदेश अब तक घर नहीं पहुंचा है। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया, फोन बंद आ रहा है। मैंने उसके ऑफिस भी फोन किया, पता चला वो टाइम पे ऑफिस से निकल गया। बेटा मुझे बहुत बहुत फिक्र हो रही है बेटा। ये 12 बज गए, अब तक कहां? अंजलि इतनी रात को कहां जा रही हो? सुदेश को ढूंढने। मैं जानती हूँ शायद वो कहाँ है। क्या वाकई अंजलि को पता था कि सुदेश उस रात कहाँ गया था? यह सवाल हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने वाला था, क्योंकि जब अंजलि ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी तब उसने कहा था उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है सुदेश उस रात कहाँ गया था और ना ही किसी पर शक जताया था। 10 अगस्त 2018 की रात को सुदेश बत्रा की तलाश शुरू कर दी गई। उसका फोन हमारे सर्वेलेंस में था। उसे गायब होने का राज पता करने के लिए 11 अगस्त को हम उसके ऑफिस पहुंचे। डालो सर, पूछताछ करो। नौकर देख के आ सर। ये कौन है? राधिका सिंह, क्रेडिट डिपार्टमेंट की हेड है। सुदेश सर और राधिका मैम अक्सर एक साथ ही निकलते हैं। अक्सर एक साथ ही निकलते हैं? सुदेश राधिका को ड्रॉप करता है? नहीं, राधिका मैम की खुद की गाड़ी है। ये राधिका का है? सर, सर पार्किंग लॉट में तो सीसीटीवी नहीं है। मैंने एग्जिट गेट के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सुदेश की गाड़ी यहाँ से 8 बजे निकली थी, ये सीसीटीवी फुटेज। लेकिन सर, सर ये देखिए, ये सुदेश की गाड़ी है, ये 8 बजे यहाँ से निकली थी। जरा रिवाइंड करना मधुर, में जरा देख के बताना फुटेज, इसमें कहीं राधिका की गाड़ी नजर आती है क्या? सर सही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। 7:30 बजे राधिका और सुदेश पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं और ठीक 7:40 को राधिका अपनी गाड़ी लेके निकल जाती है और तकरीबन 20 मिनट तक सुदेश पार्किंग एरिया में ही रहता है। तो हो सकता है कि राधिका ही वो आखिरी शख्स हो जिसने सुदेश को आखिरी बार देखा। हाँ सर, कल सुदेश और मैं साथ में ही निकले थे। सुदेश ने बताया तुमसे मिलने के बाद वो कहाँ जाने वाला था? नहीं सर, बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि सुदेश अचानक से जा कहाँ सकता है। ऑफिस से निकलते वक्त क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? नथिंग स्पेशल, बस इधर उधर की बातें। कल तुम्हारी मीटिंग है एमडी के साथ सुबह 11 बजे। ओह, लेट्स मीट टुमारो। श्योर। Bye. आपके जाने के बाद सुदेश पार्किंग लॉट में 20 मिनट तक था। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं सर, जरूर सुदेश की वाइफ ने आपसे झूठ बोला होगा। कल आई थी वो मेरे घर, मैंने उसे कल भी क्लियर किया था कि सुदेश मेरे घर आया ही नहीं। अरे अंजलि तुम यहाँ इस वक्त? सुदेश कहाँ है? सुदेश मुझे क्या पता, बेडरूम में है ना। अरे अंजलि, अंजलि, हाउ डेयर यू? मैंने कहा ना सुदेश यहाँ नहीं है। तो सुदेश की वाइफ को शक है कि तुम्हारा और सुदेश का अफेयर है? हाँ सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। सुदेश भी परेशान रहता था अंजलि से, इसी वजह से सुदेश ने बताया था मुझे
कि अंजलि घर छोड़कर जाने वाली थी। और सुदेश, सुदेश कहाँ है अब? मुझे नहीं पता सर। सर, पार्किंग एरिया में खून के धब्बे मिले। ये देखिए सर, मामला सीरियस लगता है। फॉरेंसिक टीम बोला, अब ब्लड की जांच करवा। पता लगा सुदेश का ब्लड ग्रुप क्या था, इस ब्लड से मैच करके देखा। ओके सर। पार्किंग लॉट में आने जाने वाले हर एक शख्स से पूछताछ करो और राधिका की कुंडली निकालो। पता लगा राधिका और सुदेश का क्या चक्कर था, और यह भी पता लगा सुदेश का किसी कलीग से झगड़ा हुआ था। तब तक मैं अंजलि के घर जाता हूँ, ये पूछता हूँ कि अगर उसे शक था सुदेश और राधिका साथ में है तो ये बात हमसे क्यों छुपाई। हाँ सर, मुझे शक है कि राधिका और सुदेश का अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर मेरा और सुदेश का झगड़ा भी हुआ था। मुझे चीट कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। I hate you। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, और अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। और जब वो रात को घर नहीं आए तो मुझे लगा मुझसे बदला लेने के लिए वो राधिका के साथ। इसलिए अब राधिका के घर गई। अंजलि, how dare you? मैंने कहा ना सुदेश यहाँ नहीं है। नहीं है तो देखने दो ना, रोक क्यों रही हो? अरे अंजलि, राधिका, क्या चल रहा है सब? क्या हो क्या रहा है मेरे घर में? वो तो राधिका के हस्बैंड घर आ गए थे, नहीं तो मैं। हस्बैंड? हाँ सर, जैसे सुदेश मुझे चीट कर रहे हैं, राधिका अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। अगर आपको इतना ही डाउट था तो पहले क्यों नहीं बताया हमसे? सर, मैं बात को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। वैसे कोई और बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, मैंने स्वदेश के ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों से बात की, लेकिन सबका यही कहना है कि उन्होंने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा। और मैंने स्वदेश के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए, उसका फोन कल रात उसके ऑफिस वाले एरिया में 7:55 को ही बंद हो गया। सुदेश और राधिका ऑफिस से 7:30 बजे निकलते, ठीक 7:55 पे सुदेश का फोन ऑफ होता है, और ठीक 8 बजे उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट से निकलती, और उसके बाद पार्किंग लॉट में ये खून के धब्बे। क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, सुदेश के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन हाँ एक बात जरूर पता चली है कि सुदेश और राधिका के बीच अक्सर फोन पर काफी बातें होती थी। ये देखिए सर, वो भी देर रात तक। पर राधिका का कहना है कि वो सुदेश से किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करती थी। और दूसरी ओर अंजलि को लगता है कि सुदेश राधिका के साथ था उस रात। हो सकता है जो अंजलि ने ना देखा राधिका के पति ने देख लिया सुदेश को अपने बेडरूम में। सर, मुझे लगता है सुदेश के गायब होने का कनेक्शन राधिका के घर से ही मिल सकता है। सर्च वारंट। सर, ये क्या कर? अच्छे से सर्च करो। राधिका के घर पे हमें कुछ सस्पेशियस नहीं मिला जो सुदेश की मौजूदगी साबित कर सके। पार्किंग एरिया में जो ब्लड हमें मिला था वो ब्लड सुदेश के ब्लड ग्रुप से मैच करता था, लेकिन अब भी किसी नतीजे पे पहुंचना संभव नहीं था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सुदेश की पर्सनल लाइफ सामने आई थी, लेकिन अब भी प्रोफेशनल लाइफ के गड़े मुर्दे उखड़ने बाकी थे। जिस दिन सुदेश गायब हुआ था उसके अगले दिन ही उसकी अपनी कंपनी के MD से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। ये मीटिंग DNP बैंक में हुए 2000 करोड़ के स्कैम के बारे में थी। जिस तरह से DNP का रीजनल मैनेजर ये स्कैम के बाहर आने से पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था, क्या उसी तरह सुदेश भी गायब हुआ था? सर, अगर ये सुदेश वाकई में कोई स्कैम करके गायब हुआ है तो वो ब्लड जो हमें पार्किंग में मिला उसकी क्या कहानी है? ब्लड ग्रुप तो सुदेश से ही मैच कर रहा है। जो बंदा हजारों करोड़ का स्कैम करवा सकता है उसके लिए एक गलत लीड तैयार करवाना मामूली सी बात है। यह हो सकता है मामला बिल्कुल उलट हो, यानी स्कैम किसी और ने किया। आपका मतलब राधिका से तो नहीं? करेक्ट, राधिका क्रेडिट डिपार्टमेंट की हेड है, उसने शायद किसी को गलत लोन दिया और इस बात की भनक सुदेश को पड़ गई और इसलिए उसे गायब कर दिया गया। सर, सुदेश बत्रा के मोबाइल का IMEI नंबर ट्रैकिंग पे था, अभी अब उसके फोन में एक दूसरा सिम कार्ड एक्टिव हुआ है विकासपुरी में। सर, इस राजवीर को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अपने 2100 रुपए अटका पड़ा है कि उसे सुदेश का मोबाइल विकासपुरी के पास कहीं पड़ा मिला। और सर, राजवीर के पास से एक और मोबाइल और 16,900 रुपए भी मिला है।
साहब साहब माना कि वो फोन मेरा नहीं है लेकिन पैसे तो मेरे हैं ना साहब। वो फोन तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला साहब, लेकिन पैसे मेरे कमाई के हैं साहब, चोरी ना किया मैंने साहब। अच्छा क्या धंधा करता है? कुछ भी कर लेता हूँ साहब, जैसे कि पेंटिंग करना हो या माल यहाँ से वहाँ ले जाना हो, कुछ भी कर लेता हूँ साहब। साहब गरीब आदमी का बैंकों में पड़ा पैसा बड़े बड़े लोग उठा के ले जाते, उन्हें कोई नहीं धरता, लेकिन मैंने जमीन से पड़ा फोन क्या उठा लिया, आपने मुझे धर लिया साहब। साहब माँ कसम साहब, अगर मेरा फोन भी जमीन पर गिर जाए ना तो भी ना उठाऊ मैं इसके आगे साहब। नौटंकी ना साहब, दिल रो रहा है मेरा साहब, मेरा विश्वास करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहो तो मैं आपको वो जगह भी दिखा देता हूँ जहाँ पे वो फोन मिला साहब। बता कहाँ मिला था? साहब आज सुबह जा रहा था तो यहीं पे पड़ा मिला वो मनोज फोन। यहाँ पर? जी साहब। यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, किसी को फोन दिखाई नहीं दिया, सिर्फ तुझे ही दिखाई दिया। हमारी किस्मत खराब थी साहब, जो आपकी मार खाने वास्ते ये मनोज फोन उठा लिया मैंने। पैर पड़ता हूँ साहब, मरने जाने दो साहब, मेरी बीवी घर पर इंतजार करती होगी, फैमिली वाला आदमी हूँ साहब, जाने दो। का माहौल खराब कर दिया तुमने, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। I hate you। ठीक है तुम जो करना करो, और अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। प्रथम प्रथम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना लगा दिया, चलो खाना खाते हैं। आप पापा से नाराज है इसलिए पापा चले गए ना, बोलो ना पापा कहाँ है? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे, पहले आप खाना खाओ। पापा नहीं आ गए तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। प्रथम जिद मत करो बेटा। अंजलि प्रथम को तो तुम दिलासा दे दे रही हो, लेकिन तुम्हारे और सुदेश के बीच में इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मम्मी प्लीज आप फिलहाल ये सब बातें मत कीजिए, अभी तो सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि सुदेश जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस आ जाए। माँ माँ नीचे पुलिस आई है, वो कह रहे हैं उन्होंने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है जिसके पास सुदेश भैया का फोन था। सर सर राजवीर के बारे में एक बात पता चली है, बिजवासन पुलिस भी राजवीर को ढूंढ रही है, बिजवासन थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल है। ये देखिए सर, सर 10 अगस्त की रात को जब राजवीर अपने घर नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई थी। सुदेश के फोन की कहानी तो तूने सुना था, अब अपने मिसिंग होने की कहानी सुनो। दरअसल 10 अगस्त को साहब मारा डिंपल के साथ झगड़ा हो गया था साहब, डिंपल मारी बीवी साहब। सुदेश की तरह इसकी भी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था? अब के बताऊं साहब, उस दिन तीन क्यों कोई कहानी नहीं सूझ रही? अरे ना ना साहब कोई कहानी नहीं है, बात यह है कि डिंपल जो है ना वो मेरी बैल लूना समझती साहब, हर बात पर किट किट करती रहती, खाना मांगो तो जाके ले लो खाना, पानी मांगो तो पी लो पानी। उस दिन ज्यादा गुस्से में आ गए साहब, इसने झगड़ा कर निकल लिया वहां से, और जानबूझकर साहब मैंने अपना फोन बंद कर दिया ताकि मेरे बिना मारी फिक्र हो उसको, और वही हो गया साहब। मेरे जाने के बाद मारी फिक्र हुई उसको, इसलिए तो उसने रपट लिखवा दी साहब। मैंने जाने दो साहब, घर पे डिंपल मेरा इंतजार करती होगी साहब, जान दो। बेटा तू जितना ऊपर है ना उतना नीचे भी, अच्छी तरह से समझना हम लोग। 10 अगस्त को जानबूझ के फोन बंद किया था ना ताकि सुदेश को उठा सके, और मिसिंग कंप्लेंट का भी आइडिया तेरा ही था, तेरी बीवी भी इन्वॉल्व है ना इसमें। डिंपल जी पूरा घर सर्च करो। अरे सब सब कहाँ जा रहे हो, अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे अरे ये बात कर रहे हो साहब, अगर राजवीर घर पर होता तो मैं उसकी रपट क्यों लिखवाती? मेरा घर क्यों ऊपर नीचे करने पे लग रहे हो आप? इतना भोली मत बन डिंपल, हम सुदेश को ढूंढ रहे हैं
और तुम दोनों का यही प्लान था ना कि पहले राजवीर सुदेश को गायब करेगा और फिर तू राजवीर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाएगी ताकि हमारा शक उस पे ना जाए। पर कौन सुदेश? सर यहाँ कोई नहीं मिला, शायद सुदेश यहाँ आया ही नहीं था। देखा, पहले ये बताओ राजवीर कहाँ है? ये क्या हो रहा है सब? अब हमारी बीवी को भी उस सुदेश के साथ जोड़ रहे हो? अरे ना वो जानते किसी सुदेश को ना मैं। वो तो हम गुलवा लेंगे सर। एक अच्छी तरह से खातिरदारी करो इसकी। ऐसा सुन लो साहब, मत मारो साहब, सब मैंने कुछ नहीं किया, सब मत। शिकायत दर्ज कराने वाले को ही अंदर कर दिया, घना अन्याय है ये सब। चुप हो जा। कैसे कैसे चुप हो जाए? क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है यहाँ पर साहब? आप सबके सब बिक गए हो साहब, मुझ गरीब पर जुलम करके क्या मिलेगा साहब आपको? उनको क्यों नहीं अंदर करते जो विदेशों में बैठे हैं? बिल्कुल राम मिलाए जोड़ी है तुम और तुम्हारा पति। साहब उसको छोड़ दो ना साहब। अगर वो निर्दोष है तो उसे छोड़ देंगे, वरना बहुत मार खाएगा मेरे हाथों। नहीं नहीं साहब, मारना मत साहब, उसने कुछ किया होगा तो मुझे बताएगा साहब, एक बार मिलने दो ना साहब। पांच मिनट है तेरे पास, जो बात करनी है कर ले। क्या भसड़ मचा रखी है तन्ने? पहले मेरे गहने गायब कर दिए, अब आदमी गायब कर दिया। अरे बस कर टिंपू यार, बस कर। तन्ने के लागे से मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? मारी मती मारी गई थी, जो रास्ते में पड़ा वो फोन मैंने उठा लिया और फंस गया यार। लेकिन इन लोगों ने मैंने बहुत मारा टिंपू, बहुत मारा मैंने यार। वो मैंने कुछ ना किया है टिंपू, तारी कसम मैंने कुछ ना किया। रोता क्यों? रो मत, हमने कुछ ना किया ना, हमें कुछ ना होगा। आई लव यू टिंपू, आई लव यू यार। हमें दोनों मियां बीवी पे शक था, लेकिन उनका कोई कनेक्शन सुदेश से नहीं मिल पा रहा था। और तभी सुदेश की गाड़ी नजफगढ़ में मिली, और गाड़ी मिलने के बाद ये साफ हो गया कि सुदेश के साथ कुछ भयानक हुआ था। सर तीन दिन से गाड़ी यहां पर पड़ी थी, आसपास के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। गाड़ी में खून के धब्बे और ये चाकू। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, ब्लड की जांच करो, गाड़ी और चाकू की भी जांच करो, शायद कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। अगर राजवीर ने सुदेश का खून किया है तो उसके फिंगरप्रिंट्स पे होने चाहिए। सर राजवीर बोल रहा था उसे सुदेश का फोन विकासपुरी में मिला है और सुदेश की कार यहाँ नजफगढ़ में। सर जरूरी है राजवीर हमें घुमा रहा है। राजवीर पे हमें शक तो था, लेकिन एक मामूली दिहाड़ी मजदूर का इतने बड़े ऑफिसर के साथ क्या कनेक्शन था ये हम समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता था राजवीर को सुपारी मिली थी सुदेश को गायब करने के, लेकिन ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसे सच साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। इसीलिए हमने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली और हमने सुदेश की फैमिली और उसके ऑफिस के लोगों को खंगालना शुरू किया। सुदेश एक जिम्मेदार बेटा था और अच्छा पिता भी, लेकिन उसकी बीवी अंजलि के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं था। अंजलि पे हमें शक था, राधिका और मेहुल भी हमारी रेडार में थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई हमें पता लगा कि सुदेश के ना चाहने वाले उसके ऑफिस में कम नहीं थे। ये क्या सचिन, तुम्हारे टारगेट्स पूरे क्यों नहीं हो रहे? सर मैंने 200 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को कॉल किए हैं, चार चार बार किए हैं सर। आई डिड माय बेस्ट सर। किसी का फेलियर उसका बेस्ट नहीं हो सकता। आप सभी को ये प्रॉब्लम है कि 200 क्लाइंट को कॉल किया, 2000 क्लाइंट को कॉल कीजिए। अगले महीने के रेगुलर टारगेट के साथ साथ इस महीने का डेफिसिट भी पूरा करना है। ओके सर। सुदेश चाहता था कि हर एम्प्लॉय उसको अपना 100% दे, और कभी कभी इसी चक्कर में थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करता था, पर मेरे हिसाब से वो एकदम सही करता था। बॉस अगर बॉस की तरह बिहेव ना करे और इजीली सेटिस्फाई हो जाए तो ग्रोथ कैसे होगी कंपनी की? लेकिन सर परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से काफी एम्प्लॉय ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद ही जॉब छोड़ दिया करते थे। हमने सुदेश से बात भी की थी इस बारे में। गौरव तुम समझ नहीं रहे, मार्केट में इतना कंपटीशन है, अगर हम अपने स्टैंडर्ड रेज नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी? और जो कंपनी में अच्छा काम करता है हम उसे इंसेंटिव देते हैं, वो सब प्रॉब्लम। सुदेश एक चंक ऐसा भी है जो रिजाइन कर रहा है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेता है, स्ट्रेटेजी सीखता है और जाके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। इससे नुकसान हमारा ही है, प्लस कंपनी की इमेज खराब हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल है। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो स्ट्रेसफुल माहौल में काम कर सकते हैं, जिसको झेल सकते हैं। सर जो लोग प्रेशर झेल नहीं पाए वो खुद ही जॉब छोड़कर चले गए, और कुछ लोगों को सुदेश ने निकाल दिया। अब ऐसे लोगों को सुदेश से कुछ ना कुछ शिकायत तो होगी ही, बट आई डोंट थिंक कि सुदेश की कभी भी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी।
मुझे इस कंपनी के उन सभी एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो जॉब से निकाले गए और उनके भी जिन्होंने खुद जॉब छोड़ी। सर सुदेश सर टारगेट को लेकर स्ट्रिक्ट तो थे पर उतना ही जेनरस भी। इनफैक्ट लास्ट ईयर पूरे स्टाफ को डबल बोनस अनाउंस किया था उन्होंने और इस साल तो बोनस ट्रिपल करवाने का प्रपोजल देने वाले थे वो। इनफैक्ट वो अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आप भी खुश थे उनसे? जी मैं भी बहुत खुश थी। इनफैक्ट सुदेश सर बहुत ही अच्छे बॉस है। इस मधुरे माते भी कुल नहीं निकालो, बहुत तारीफ करी अपने बॉस सुदेश की। ये सुदेश की पर्सनल असिस्टेंट थी तो हो सकता है पर्सनल रिलेशन भी डेवलप हुए हैं दोनों के बीच में। ओके सर। प्रथम बेटा मत रो, पापा आ जाएंगे थोड़ी देर में। बेटा कितना वेट करो दादी, पापा आपकी याद आ रही। हेलो सर। सर राजवीर की बीवी डिंपल के बारे में एक खबर पता चली। सर ये डिंपल प्रोस्टिट्यूट थी, इसके बहुत सारे क्लाइंट्स थे पहले लेकिन राजवीर से शादी करने के बाद उसने वो सब काम छोड़ दिया। डिंपल एक प्रोस्टिट्यूट थी। डिंपल जैसी लड़की का उसके पति राजवीर का सुदेश के साथ क्या कनेक्शन हो सकता? लगता है डिंपल से मिलना पड़ेगा। अंजलि क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? किसका फोन था? अरे तू चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? मम्मी सुदेश सुदेश किडनैप हो गए। किडनैपर का कॉल था। हेलो सुदेश की बीवी है ना तुम? कौन बोल रहा है? ये जानने की जरूरत नहीं है, अगर सुदेश को जिंदा देखना है तो तुझे 50 लाख देने होंगे। हाँ साहब धंधा करती थी मैं पहले, लेकिन वो काम मैं मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए करती थी साहब। बचपन में ही मैं अनाथ हो गई और मेरे मामा ने मुझे बेच दिया, लेकिन राजवीर मेरी जिंदगी में आया तो मैंने वो सारा काम छोड़ दिया था साहब। जब तू धंधा करती थी तब तो सुदेश आया होगा तेरे पास? कौन सुदेश साहब, मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए तो सब कुछ राजवीर ही है। बहुत प्यार करता है राजवीर मुझसे साहब। साहब मुझसे शादी करने के लिए उसने अपने बाप तक से बगावत कर दी थी। उसका बाप कहाँ है? पता नहीं साहब, मुझसे शादी करने के बाद राजवीर के माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। साहब जिस आदमी ने मुझे उस दलदल से निकाला, जिसने मुझसे शादी तक की, साहब वो इतना बुरा काम नहीं कर सकता साहब। सर जिन एम्प्लॉयज ने सुदेश की लीडरशिप में रिजाइन किया उनमें से ये नीरज दहिया भी है। सर ये नीरज और सुदेश कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 2 साल पहले ये दोनों ही रीजनल मैनेजर के दावेदार थे लेकिन कंपनी ने चुना सुदेश को। सर ये सुदेश के रीजनल मैनेजर बनने के बाद नीरज ने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया और DNP इंश्योरेंस कंपनी यानी राइवल कंपनी को ज्वाइन किया। और इतना ही नहीं सर, सुदेश की कंपनी से जाते जाते नीरज वहाँ के कुछ टॉप परफॉर्मर्स को भी अपने साथ ले गया और उस कंपनी के कई क्लाइंट्स को भी। उसके बाद सुदेश को पता चला कि नीरज के अप्रूवल पर 5 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ था, वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स पर, और जिसको लोन दिया गया था वो फरार था। ये क्या है राधिका, तुमने ये देखा कैसे नहीं? क्रेडिट डिपार्टमेंट की हेड हो तुम, प्रॉपर पेपर वर्क के बगैर ये लोन सैंक्शन हुआ कैसे? सॉरी सुदेश, लेकिन नीरज ये डील कर रहा था, उसका कहना था कि क्लाइंट उसकी पहचान का है, उसने मुझे धोखे में रखा, मैं क्या करती? I'm so sorry. फिर सुदेश ने लीगल एक्शन लिया और फ्रॉड के केस में नीरज को अरेस्ट करवाया। नीरज की गिरफ्तारी की वजह से DNP कंपनी ने भी उसे जॉब से निकाल दिया। सर नीरज अभी 6 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ है लेकिन पता चला है कि सुदेश के गायब होने से पहले मतलब 1 हफ्ता पहले वो दुबई शिफ्ट हो गया था। इस नीरज का बदला लेने का मोटिव तो बनता है। हो सकता है दुबई शिफ्ट होने से पहले इसने सुदेश को गायब करने का पूरा प्लान तैयार किया। पॉसिबल है सर, और इसमें राधिका भी शामिल हो सकती है क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद नीरज और राधिका के बीच फोन पर अक्सर बातें होती थी और राधिका के कॉल रिकॉर्ड में नीरज का नंबर भी शो है। ये राधिका का नाम सुदेश की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में उछल रही, पता लगाना होगा ये दोनों का क्या चक्कर है। अंजलि पुलिस को सुदेश की गाड़ी मिली है और उनका कहना है कि उसमें जो खून लगा है वो सुदेश के ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा है, और तुम कह रही हो कि सुदेश किडनैप हो गया और किडनैपर तुमसे फिरौती मांग रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं मम्मी, अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और किडनैपर्स ने सुदेश को कुछ कर दिया तो? माँ भाभी ठीक कह रही है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करने का रिस्क नहीं ले सकते, हमें उन किडनैपर्स के कॉल का वेट करना चाहिए। माँ आप एक काम करो, आप पैसों का इंतजाम करो।
सुदेश की बीवी का कहना है कि सुदेश का अफेयर था तुम्हारे से। तेरी नीरज का क्या चक्कर? आप ऐसे ही मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते। उंगली तो पहले से उठ रही है मैडम आप पर। अब आप ये बताइए, सुदेश के गायब होने से एक हफ्ता पहले नीरज दुबई चला जाता है, उसका क्या कनेक्शन है आपके साथ? आप मुझ पर बेकार में ही शक कर रहे हैं सर। तो फिर कंपनी छोड़ने के बाद भी नीरज तुम्हें फोन क्यों किया करता था? क्योंकि उसके साथ मिलकर मैं सुदेश को मारने की प्लानिंग कर रही थी, इसलिए। यही सुनना चाहते थे ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर, नीरज मुझे कॉल करता था, मैंने कभी उसे सामने से कॉल नहीं किया। आप चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सर, राधिका के खिलाफ तो कुछ नहीं मिल रहा और नीरज को दुबई से यहां बुलाने के लिए एम्बेसी से बात चल रही है। लेकिन सर एक बात तो पता चली है, नीरज को अरेस्ट करवाने के बाद सुदेश ने अपनी कंपनी में एक नई पॉलिसी बनाई जिसमें कंपनी के हर एम्प्लॉय को एक बॉन्ड साइन करना था। कैसा बॉन्ड? अगर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है तो वो कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी क्लाइंट को अपने साथ नहीं ले जा सकता। ताकि एम्प्लॉय कंपनी छोड़ने की हिम्मत ही ना करे। राइट सर, कंपनी के कई एम्प्लॉय को बॉन्ड का आइडिया अच्छा नहीं लगा सर। और सर ये भी पता चला है कि इसी दौरान उसी कंपनी में काम करने वाले अक्षय और गौरव को भी बाहर से जॉब के काफी अच्छे ऑफर आए, लेकिन इस बॉन्ड के चलते ये लोग जॉब स्विच नहीं कर पाए। सर, सर सुदेश की गाड़ी में जो चाकू मिला था उस पर किसी के फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले, लेकिन सुदेश की गाड़ी की सीट पे जो उंगलियों के निशान मिले थे वो राजवीर के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। मैडम, मैंने पहले आपसे झूठ बोला था साहब, वो मोबाइल वाली बात भी झूठी थी साहब। दरअसल मैं उस रात नजफगढ़ से जा रहा था साहब, तो तुम्हारी नजर एक गड्ढे के ऊपर गई साहब, उसका दरवाजा खुला था, मैंने अंदर झांक कर देखा तो अंदर एक आदमी की लाश थी, शायद सुदेश की लाश होगी साहब। उन्हें मारा था उसे? नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं मारा था साहब, वो तो पहले से मारा पड़ा हुआ था साहब, उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया था साहब, पहचान नहीं आ रहा, मोबाइल के लालच में आ गए साहब। मैंने वो चैन घड़ी मोबाइल अपने पास रख लिया और फिर मैंने सोचा कि गाड़ी भी चुरा लेता हूँ, इसलिए पहले बॉडी को ठिकाने लगाने ले गए साहब। साहब बाद में मैंने जो है ना वो गाड़ी चुराने का आइडिया ड्रॉप कर दिया साहब, क्योंकि उसमें खून लगा था। बॉडी के पर्स से मुझे 4 कार्ड और 2000 रुपये कैश मिला जो मैंने मेरे पास रख लिया साहब। घड़ी और चैन बेचकर 15,000 रुपये मिल गए थे, उसमें से 2100 रुपये का मोबाइल बना दिया, बाकी सब जो थे वो सब मेरे पैसे थे साहब, कुल मिलाकर 16,900 थे जो आपको मेरी जेब से मिली। मैंने कुछ ना किया साहब और मैंने कोई सुपारी भी ना ली साहब। आप चाहे तो मैं आपको वो जगह भी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने वो बोटी फेंकी थी। बोलो साहब, इतना पीटो इसे कि झूठ के कीटाणु हमेशा के लिए मर जाए। हेलो, पैसे का इंतजाम हुआ क्या? हाँ हाँ हो गया है, लेकिन सुदेश का है, उनका बेटा उनसे बात करने के लिए तरस रहा है, प्लीज एक बार बात करा दो प्लीज। बता साहब, यही फेंकी थी मैंने वो लाश। आसपास देखो। सर यहाँ आसपास तो कोई बॉडी नहीं मिली। माँ कसम साहब, मैंने यही फेंकी थी बॉडी। तुझे मार कर यही काट दूंगा, समझा? साहब मेरा यकीन करो साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। लेके जाओ उसे। बात तो सुन लो साहब, एक नंबर का झूठ है, लेकिन फिर भी चांस नहीं लिया जा सकता। लोकल पुलिस से पता करो कोई बॉडी मिली उन्हें, और सुनार से भी पूछो जिसने घड़ी और चेन खरीदी इससे। वो सुनार ने मान लिया था कि राजवीर से उसने 15,000 रुपये देकर वो घड़ी और चेन खरीदी थी, लेकिन नरेला पुलिस ने बताया कि उन्हें उस डंप एरिया में कोई लाश नहीं मिली थी। लेकिन राजवीर अब भी अपनी बात पर अटल था, उसने कहा कि उसने वो बॉडी उसी डंप एरिया में फेंकी थी। अगर वाकई में उसने ऐसा किया था तो फिर वो लाश गई कहाँ थी? ये मेरे बेटे सुदेश की है। क्या हुआ सुदेश को? देखिए फिलहाल हमें कोई लाश नहीं मिली है, लेकिन जिस आदमी के पास सुदेश का फोन बरामद हुआ था
उसने कहा उसे गाड़ी में एक लाश मिली थी, लेकिन उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल था, और वहीं पर ये सारी चीजें मिली। लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे वहां कोई लाश नहीं थी। अब पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि राजवीर ने सुदेश को मारा। पुलिस को शक है कि सुदेश का मर्डर हो चुका है, और तेरा कहना है कि किडनैपर सुदेश को वापस करने के बदले पैसे मांग रहे हैं? हाँ, कहीं तू हमें पागल तो नहीं बना रही ना? तू नहीं कहीं सुदेश को कुछ ऐसा वैसा नहीं किया ना? हेलो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, किडनैपर का कॉल आया था, मैं डर गई थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आप लोगों को कुछ भी कहा तो वो सुदेश को। लेकिन आपके सास और देवर का कहना है कि किडनैपर्स का फोन एक नाटक है। मैं जानती हूँ सर, मम्मी को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, किडनैपर का कॉल आया था और उसने मुझे कहा सुदेश जिंदा है और उसके कब्जे में है। वो नंबर दीजिए जिससे किडनैपर से फोन किया था। सर, राजवीर बता रहा था कि बॉडी का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ा हुआ था, और जहां उसने बॉडी डंप की वहां बॉडी नहीं मिली, और सुदेश की फिरौती का कॉल। सर, इस चक्कर को समझ में नहीं आ रहा है। पता करो सुदेश की बीवी ने जो नंबर दिया है वो कहां का है, सब समझ में आ जाए। सर, हाँ दादी बोलो। सर, जिस पीसीओ से अंजलि को फोन किया गया था उसका पता चल गया है। यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी भी नहीं है। पीसीओ के ओनर को मैंने सारे संदिग्धों की फोटो दिखाई, लेकिन उसने किसी की पहचान नहीं की। उस पीसीओ के आसपास के एरिया को चेक करो, और ये भी पता करो कि वाकई में अंजलि को उस पीसीओ से किडनैपर्स के फोन आते थे या ये सब एक कहानी। हमने उस पीसीओ के आसपास सभी रास्तों पे पूछताछ की, और पास की एक दुकान में सीसीटीवी में हमें राजवीर की पत्नी दिखाई दी एक और आदमी के साथ। मेरा कोई हाथ ना है सुदेश को गायब कराने में, मैं तो बस अपने पति को बचाने के लिए फिर औरती के फोन करा रही थी अपने पुराने दलाल कपूर से। साहब, मैंने सिर्फ कॉल किया था सर, उसके बदले में डिंपल ने मुझे पैसे दिए थे सर, और मुझे कुछ नहीं पता सर। मैंने ये सब इसलिए कराया साहब ताकि आप लोग राजवीर पर शक ना करो और आप लोगों को लगे कि सुदेश जिंदा है। साहब, तेरी बीवी ने ली थी ना सुपारी सुदेश को मारने के लिए, और उसी ने कहा था तुझे सुदेश को मारने को। नाना साहब, मारी बीवी को छोड़ दो साहब, उसने कुछ ना किया साहब, यही सच है। अब सच चाहे जो भी हो, केस तो यही बनेगा, तू और तेरी बीवी हमेशा के लिए जाएंगे अंदर, क्योंकि वो भी फंस चुकी है फिरौती का फोन करवा के। नाना साहब, डिंपल ने कुछ ना किया साहब, मैं आपको बताता हूँ साहब सच क्या है, पूरा सच। झूठ का एक भी खतरा मिला ना मुझे तो मार कर यही गाड़ दूंगा, समझा? बोल साहब, मैंने ही मारा था सुदेश को। मैंने लोन पे स्कूटी ली थी साहब, टिंपल के कहने पर, उसकी किस्त चुका नहीं पा रहा था साहब, बार बार बैंक वाले फोन करते थे और स्कूटी उठाने की धमकी देते थे, इसलिए फिर मैंने चोरी करने का प्लान बना लिया साहब। मैंने देखा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग चलता फिरता पैसों का शोकेस है, मैंने सोचा इन लोगों को लूट कर मेरी स्कूटी की किस्त चुक सकती है। मैंने नोट किया साहब कि लूटने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग के पार्किंग का एरिया बेस्ट होता है, वो भी रात के टाइम में। मैं सिर्फ डरा कर लूटने वाला था साहब, इसलिए जैसे ही वो उस सुदेश गाड़ी में बैठा मैं उसके पीछे जाके बैठा साहब। उसके बाद पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ दिया उसकी गाड़ी नजाफगढ़ के सुनसान एरिया में छोड़ा है साहब।
सर, डीएनए से कंफर्म हो गया है कि वो लाश सुदेश की है और आज बार स्टेबिंग भी हुई है। तुम्हें ये बात हजम हो रही है? राजवीर को अपनी स्कूटी की किस्त चुकानी थी, इसीलिए उसने ये सारा प्लान रचा। और जब सुदेश चिल्लाने लगा तो राजवीर ने उसे मार डाला, लेकिन 13 बार स्टैबिंग करके उसका चेहरा बिगाड़ के इतनी दूर ले जाके उसे फेंकने की क्या जरूरत थी? और जिस तरह से ब्रूटल किलिंग हुई है उसे देख के तो लगता है जैसे किसी ने पर्सनल दुश्मनी निभाई है। सर, सुदेश को अकेले इस तरह मारना और फिर इसकी लाश को गाड़ी में डालकर दूर जंगल में ले जाकर फेंक देना, सर ये किसी एक आदमी का तो काम नहीं हो सकता, वो भी राजवीर के साइज का। जरूर इस राजवीर के साथ कोई ना कोई तो शामिल है। सर, इस बार मैंने पूरा सच बोला है साहब, मारे डिंपल की कसम साहब, मैंने ही मारा था सुदेश को, यही सच है साहब। सिर्फ कुछ पैसों के लिए सुदेश को मार डाला उस आदमी ने, यकीन नहीं होता। What do you mean भाई, यकीन नहीं होता है? अब तो उस किलर ने खुद जुर्म कबूल कर लिया है, तो फिर डाउट करने की बात ही कहां से आती है? और वैसे भी कोई अपने सर पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लेगा? Anyway, let's get back to work. MD सर ने बोला है अब सुदेश के जाने के बाद मुझे उसका काम देखना है। सुदेश बत्रा मर्डर केस सॉल्व हो चुका है, कातिल का कन्फेशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत था। राजवीर ने कबूल किया कि वो बिजनेस कॉम्प्लेक्स में आया जाया करता था ताकि किसी अमीर आदमी को वो फांस सके और उसे अपना शिकार बना सके, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस हाईली सिक्योर्ड एरिया में किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा, और इसी का फायदा राजवीर ने उठाया और एक पार्किंग लॉट को अपनी लूट का ठिकाना बनाया। ये नामुमकिन सी बात थी कि सीसीटीवी कैमरा पे राजवीर को किसी ने आते जाते ना देखा, लेकिन एक अनजान आदमी की ट्रेसपासिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और इस दस्तक को नकारा गया और अंजाम एक निर्दोष को भुगतना पड़ा। हालांकि यह केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले थे। कुछ ऐसे सिरे थे जो एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो एक ऑफिसर को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं दे पाते। ये वो लकीर होती है जो सच और संभावित सच को अलग करती है। इस केस को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सच और संभावित सच के फर्क को समझें और इसके भ्रम से भ्रमित होने से बचें, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।